पुराने विवाद में फिर चली गोली, तीन हुए घायल। आपको बता दे, धनबाद जिले में एक बार फिर से चली है गोली। इस गोलीबारी में एक ही परिवार के तीन लोग हुए घायल। मामला है पुरानी रंजिश को लेकर। पीड़ित परिवार ने बताया कि रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह ने चलाई है गोली। आपको बता दे, चाची और भतीजा समेत तीन हुए घायल। सभी घायलों को धनबाद के PMCH में कराया गया है भर्ती। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के न्यू मटकुरिया कॉलोनी की घटना। मौके से पीड़ित परिवार द्वारा CCTV फुटेज भी उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल एक रेफर किया गया है, वहीं दो घायल को धनबाद के PMCH में ही रखा गया है। उपेंद्र सिंह का कुछ नहीं होगा, क्या हुआ, क्या था घटना, क्या हुआ सुबह का था? आपको देखने से क्या हमको बताना पड़ेगा ये सब चीज? किनको किनको गोली लगा है? मम्मी को लगा है, मम्मी सीरियस है जी। आपके भाई है? भाई को भी लगा है। आपको भी लगा है? ना अभी बोल दीजिएगा ना कि झूठ बोल रहे हैं हम लोग, का बहुत सबूत है। अभी पुलिस की गिरफ्त बाहर है? बाहर है, नहीं पकड़ाएगा जी, पकड़ेगा ही नहीं पुलिस। हमसे पूछिए ना, आपस में गोतिया ही है, छोटी मोटी बात को लेकर हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता है। किससे ले लेंगे? इनके द्वारा बयान लिखाया गया है कि उपेंद्र सिंह आज सुबह सुबह आया है, आपस में लग रहा था ये लोग छुड़ाने आए, तो इन लोगों पर वो गोली चलाया है जान मारने के नियत से, जिसमें इनके तीन लोग गहरे जख्मी से जख्मी, तो फिलहाल वो फरार है, गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। टीम निकला हुआ है। कौन कौन तीन लोग? एक है माँ है मीरा देवी, दूसरा ये सिंटू है, और इनके बड़े भाई पिंटू, जिनको पेट में गोली लगी। तो उन दोनों को रेफर कर दिया गया? हाँ, रेफर किया। तो ये अभी हमको नहीं पता है, लेकिन बाहर इलाज के लिए। तो पहले से भी उसके खिलाफ कई कांड अंकित था ना? बैंक में उसके विरुद्ध कई कांड अंकित है। ठीक, लेडीज को लगा है सर, मम्मी को, उसका बाप को नहीं पकड़े? बाप को नहीं पकड़े? पापा ने, घर में तो है सर कैमरा, अभी हम लोग का फुटेज भी घर से जाके लीजिएगा कि हम लोग क्या किए हैं, वो क्या किया है। अभी कोई फुटेज को छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाँ, कोई घर में सील करो पहले, अभी घर से जिद निकलेंगे।